नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशु भारद्वाज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को एटीएन एक्सप्रेस पे। लव जिहाद विरोधी कानून पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, दो राज्यों को जारी किया नोटिस। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई होगी 11 जनवरी को। लॉ एंड ऑर्डर पर चौथी बार बैठक करने पुलिस मुख्यालय पहुंचे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। बिहार के होमगार्ड जवानों को नीतीश सरकार ने दिया तोहफा, पुलिस की तर्ज पर ही मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर किया प्रहार, अब एक बार फिर से सुनेंगे जनता की पुकार। पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, न्याय के मंदिर में रिश्वत लेने वाले 16 कर्मियों को कोर्ट ने किया बर्खास्त। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने किया दावा, कहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं पार्टी के 11 विधायक। नवादा जिले में नल जल योजना में हो रही गड़बड़ी, स्थानीय लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच को लेकर लगाई गुहार। अरवल जिले में किसान विरोधी कानून को लेकर माले पार्टी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, साथ ही एनडीए पर सादा निशाना। नवादा जिले के रजौली प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में नागरिक अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें हिसुआ विधायक नीतू कुमारी भी रही शामिल। गया जिले में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान 130 कार्टून विदेशी शराब हुआ बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में एक महिला के घर पर दबंगों ने जबरन किया कब्जा, पीड़िता लगा रही डीएम से न्याय की गुहार। नवादा जिले में जल जीवन हरियाली योजना के तहत चलाया जा रहा कार्यक्रम, वर्चुअल संवाद में शामिल हुए प्रतिनिधि और अधिकारी। गोपालगंज जिले में फौजी के घर की खिड़की तोड़ 12 लाख की संपत्ति हुई चोरी, पुलिस कर रही मामले की जांच। नवादा जिले में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, साथ ही सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महिला संघर्ष मोर्चा ने किया सम्मानित। अरवल जिले में दिसंबर माह का राशन नहीं मिलने पर राशन कार्ड धारियों ने किया हंगामा, साथ ही वीडियो को पीडीएस दुकानदार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अररिया जिले में भू माफियाओं ने एसडीएम आवास के सामने स्थित स्कूल पर चलाया बुलडोजर, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। नवादा जिले में करीब 10 महीने बाद खोले गए स्कूल, बता दें कि स्कूल खुलने से छात्रों में देखी जा रही खुशी की लहर। सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले हेमंत सोरेन, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, नवदीप सैनी करेंगे डेब्यू। अभी के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एटीएन लाइव इंडिया।